देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर को लेकर विवाद गरमाया हुआ है और इस लाउडस्पीकर विवाद में सबसे बड़ी धमकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने दी है। राज ठाकरे ने चुनौती देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र में दंगे नहीं चाहते, नमाज अदा करने का किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन अगर आप लाउडस्पीकर पर करेंगे तो हम भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। मुसलमानों को समझना चाहिए कि धर्म कानून से बड़ा नहीं है। 3 मई के बाद मैं देखूंगा कि इसमें क्या करना है। राज ठाकरे की इस धमकी पर शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने एक अलग अंदाज में टिप्पणी करते हुए राज ठाकरे को इशारों इशारों में महाराष्ट्र का ओवैसी बता दिया। मुझे लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और MIMC मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, MIM निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर BJP को मदद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी से करके लिया है, वही काम यहाँ नव हिंदुत्ववादी ओवैसी जो बने हैं यहाँ उनसे BJP करवाना चाहती है। लेकिन हमें कोई डर नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देखती है और सहन भी लेती है और करारा जवाब भी देती है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए नाम लिए बिना कहा, अंधभक्त जहां फायदा देखते हैं वहीं झुक जाते हैं। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने भी राज ठाकरे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ पार्टियां राज्य में तनाव का माहौल खड़ा करना चाहती हैं, ऐसी पार्टियों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं जिन्हें जनता नकार चुकी है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया है। राज ठाकरे इस तरह की हेट स्पीच के लिए पहले से ही मशहूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये नफरत उत्तर भारतीयों के लिए थी, अब एक धर्म विशेष के लिए है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।